जी पेज नंबर बताएं। अच्छा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, नहीं अभी आप आए पेज नंबर, ओ यार ठहर जाओ, पेज नंबर 3, टाइम क्या है करें, पेज नंबर 3, टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय। ओके क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा, बेसिक सैलरी पर मंथ इज 3,40,000, हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ इज 1,30,000, टैक्स ऑन सैलरी, सैलरी के ऊपर टैक्स इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कहते हैं कि सैलरी पे टैक्स मैं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है तुमने सैलरी पे टैक्स नहीं देना। हालांकि असूल ये होता है कि एम्प्लॉय सैलरी घर लेके चला जाता है और खुद गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा कराता है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी पे जो टैक्स बनेगा वो मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से, तुम्हें टैक्स भी देने की जरूरत नहीं। ओके जी चैप्टर 4 के नोट्स निकाल लें क्योंकि स्लैब रेट्स ही आज यूज करने हैं बार बार और सारी गेम चैप्टर 4 के नोट्स में है। कैलकुलेटर और चैप्टर 4 सामने होने के अलावा अगर आप बैठे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जी बेसिक सैलरी बताएं भाई, 3,40,000, 40 4080 000। जी आगे बताएं भाई, जी इंटू 1,560,000। नेक्स्ट, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त करने किसने, एम्प्लॉयर ने। ओके अब आप मुझे बता दें कि अभी तक सैलरी बनी कितनी, सैलरी बनी कितनी, 5,640,000। इस सैलरी पे टैक्स देने को रोजाना लेट आने वाले भाई तैयार होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कहेगा मैं इस सैलरी पे टैक्स देने को तैयार हूं। स्टेप 1, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम आप मुझे बता दें इन साहब की कितनी है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना, 5,640,000, 5,640,000 इज हिज सैलरी इनकम। चैप्टर 4 में जाएं, पेज नंबर 6 निकालें। अब ये सवाल मेरे किसी काम का नहीं है, बस अब सारा कैलकुलेटर की गेम है। चैप्टर 4 में पेज 6 पे जाएं और सीरियल नंबर बताएं, 7। टैक्स जी बस एक जो पहले बोल दे वो फिर कैलकुलेशन पूरी करवाया करें, 670,000 प्लस 22.5%, 640,000, यानी लिखा होगा अमाउंट एक्सीडिंग 5,000,000। जी आप बता दें भाई टैक्स कितना बना, 814,000, 814,000, ये आपका टैक्स बन गया। एम्प्लॉय ने मिसाल के तौर पे 56 लाख रुपया, 56 लाख कमाया, उस 56 लाख पे 8 लाख टैक्स बन गया, 56 लाख पे 8 लाख टैक्स बन गया। एम्प्लॉयर कहते हैं ये जो तुम्हारा 56 लाख है इस पे जो 8 लाख टैक्स बनता है वो मेरी तरफ से, 56 लाख पे कितना टैक्स बनता है वो किसकी तरफ से। तो कमिश्नर ने कहा भाई ये तो गेम हो गई, इसका मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक बेनिफिट दे रहे हैं जो कि बाकी एम्प्लॉयज को नहीं दे रहा, सिर्फ इसको दे रहे हैं,
तो कमिश्नर ने कहा इसकी सैलरी इनकम रिवाइज करो और फिर टैक्स निकालो इसका कितना बनता है। अल्लाह अकबर। चलें जी, रिवाइज सैलरी इनकम निकलवाएं जिसमें वो बेनिफिट भी ऐड करवाएं जो बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस के अलावा है और वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा। जी 5640000, क्योंकि अगर जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो सैलरी इनकम में ऐड होगा। जी ऐड कराएं, कितना बेनिफिट दे रहे हैं? 814। जी जवाब 6454000। अब आप मुझे बता दें कि एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कितनी अमाउंट ऐड करनी बन रही है? 6454000। ये वो सैलरी इनकम बन रही है, ये वो सैलरी इनकम बन रही है जिस पर अब सवाल अराइज हो रहा है कि किसने टैक्स जमा कराना है। तो एम्प्लॉयर कहता है तुम परेशान ना हो, मुझे पता चला है कि जब मैंने तुम्हें 8,14,000 का बेनिफिट देना चाहा तो हकूमत ने कहा कि इसको भी सैलरी में ऐड कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारी सैलरी बढ़ गई और उस पर टैक्स भी अब बढ़ गया। वो जरा टैक्स निकाल दें जो बढ़ने की वजह से लगा है। अब टैक्स निकालें 6454000 पे। पे टैक्स निकलवाएं। करें करें जल्दी बोले। 673 प्लस ऑफ 54000। जी 7179 7150। अच्छा जी इधर देखिए आप सारे, जरा छप्पन लाख पर टैक्स बना था 8,00,000। अब जब 56,00,000 में आपने ऐड किया 8,00,000, तो टैक्स कोई आसमानों पे नहीं चला जाएगा? 56,00,000 में जब आपने 8,00,000 टैक्स ऐड किया तो टैक्स ऐड बैठे 56,00,000 में जब आपने 8,00,000 टैक्स ऐड किया तो ऐड करने की वजह से 8,00,000 पर ज्यादा टैक्स बनेगा। वो जो 8,00,000 पर टैक्स बने वो तकरीबन कोई 1,80,000 के करीब बनेगा, वो 1,83,000 के करीब बनेगा। जो किस पे टैक्स बन रहा है? इस बंदे पे फर्ज करें कोई टैक्स था ही नहीं, एकदम हमने इस पे टैक्स लगा दिया 8,14,000। लेकिन अब इसको एक बेनिफिट मिला जो हमने यहां ऐड नहीं किया हुआ था। जब वो बेनिफिट ऐड किया तो बेनिफिट ऐड करने की वजह से इसका टैक्स 8,00,000 से 16,00,000 में नहीं चला जाएगा, वो बेनिफिट ही सिर्फ 8,14,000 का है। तो 56,00,000 पे कितना टैक्स बन रहा था? 8,00,000। अब 8,00,000 ऐड होने की वजह से 56,00,000 किस पे चला गया? 64,00,000 पे। अब वो जो 64,00,000 पे गया उसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ? 8,00,000 पर टैक्स कितना बना? वो तकरीबन 1,83,000 आपके 1,83,000 के करीब बन जाएगा। वो 1,83,000 और बन गया। अब जब और बेनिफिट बना तो एम्प्लॉयर ने कहा तू परेशान ना हो, ये भी टैक्स मैं दूंगा, तू परेशान ना हो, इस पे भी टैक्स का। हुकूमत ने कहा 1,83,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय को और मिल रहा है, अब और मिल रहा है तो इसकी ये भी सैलरी इनकम में ऐड कर दो। सर्कुलर रेफरेंस, गोल चक्कर पे घूमते रहो पागलों की तरह हत्ता के रात हो जाए। स्टेप 3। अच्छा जी बोले जी सैलरी इनकम 6,54,000। एक ये तरीका है, मैं एक आसान तरीका इससे बताने लगा हूं। 5640000 इसको पकड़ लें, एक आसान तरीका है। 5640 दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। 5640000 प्लस 997150। फाइव सिक्स फोर जीरो ट्रिपल जीरो प्लस 997
150, बताएं जी. 6637 150. अब 6637 150 के ऊपर आप न्यू टैक्स निकलवाएं, कर लें. अब जिन्होंने तोबा की हुई थी, टेबल नहीं यूज करना, वो भी आज कर लें. 670,000 प्लस 22.5% ऑफ 163 7150. जी टैक्स कितना बना? 1038359. ओके चलें जी, यहां तक नोट कर लें. फिर तकरीबन 30% या 20% बच्चों को समझ आया होगा, बाकी 80% को मैं अभी समझाता हूं. यहां तक नोट कर लें. ओके आजिंग भाई, अब दोनों आगे आए हम ठीक है. तो आजिंग सेकंड लास्ट रो में आए. जी इधर देखें, अब नोट करना छोड़ दें, किताब में भी सोल्यूशन नोट हुआ है, इधर अटेंटिव रहे नोट्स में. एम्प्लॉय ने कितना कमाया? 56 लाख. 56 लाख पे टैक्स बना 8 लाख. एम्प्लॉयर ने कहा ये मैं देता हूं, तो 56 लाख में तो सिर्फ बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस ऐड हुआ है. तो हमने कहा भाई भी तुम्हारी इनकम 56 लाख नहीं है, 56 लाख में 8 लाख ऐड कर दो, तुम्हारी इनकम तो 64 लाख है, 64 लाख के करीब तुम्हारी इनकम है.
आपका एम्प्लॉयर कहता है अच्छा अच्छा ओहो तुम्हारी इनकम 64 लाख हो गई है, चलो मैंने तो तुम्हें जबान दी हुई है कि तुम्हारी इनकम पे टैक्स मैं दूंगा, मैं जबान से नहीं फिरता, मैं 64 लाख पे टैक्स देने को तैयार हूं। अब 64 लाख पे जब हमने टैक्स निकाला तो वो बना आपका 9 लाख 9 10 लाख के करीब आपका टैक्स बन गया। अब ये जो 10 लाख के करीब आपका टैक्स बन गया, 9 लाख कुछ पैसे, ये जो 10 लाख के करीब आपका टैक्स बन गया, ये टैक्स आपके पुराने टैक्स से अगर कंपेयर करें तो इतनी ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है कि 8 लाख शूट अप करके 13-14 लाख पे चला गया हो। 8 लाख में सिर्फ 1,83,000 की इंक्रीज आई है, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ किसके ऊपर है, 8 लाख के ऊपर 1,83,000 टैक्स बना। अब इट इज योर रिवाइज्ड न्यू टैक्स। अब एम्प्लॉयर ने पहले मुंह से बोला था 8-14 में देने को तैयार हूं तुम्हारी तरफ से, अब एम्प्लॉयर ने कहा 8-14 पुराना वाला भी, 8-14 पुराना वाला भी और नया वाला 1,83 भी, वो भी मेरी तरफ से। अब जरा सोचें, एम्प्लॉय को बेनिफिट 183 वाला मिला है, एम्प्लॉय को फर्दर बेनिफिट कितना मिला है? अब अगर लॉजिकली समझना है तो फिर एम्प्लॉयर कहेगा ये 183 तुम्हें मिल रहा है और बेनिफिट ये भी मैं तुम्हें टैक्स तुम्हारी तुम्हारी जगह पे कर दूंगा। अब ऐसा होगा, गवर्नमेंट कहेगी ये 183 का बेनिफिट तुमने उसे 814 के अलावा दिया है, इस पे भी तुम अब टैक्स जमा कराओ, तो एम्प्लॉयर इस पे भी टैक्स जमा कराने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर फिकरा मुंह से बोल चुका है एम्प्लॉयर कि मैं ही तुम्हारी सैलरी पे टैक्स जमा करवाऊंगा। अब क्या होगा, अब ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत के अंदर एक ऑप्शन है जो लॉजिकल तरीका है, इस फिगर को पकड़ लें, इसमें 8-14 तो पहले ही पड़ा हुआ है, इन दोनों का जरा डिफरेंस लें, एग्जैक्ट फिगर 183150 में इसको ऐड करें, ये जरूर करना है सबने, 663 उसी फिगर पे आप पहुंच गए, उसी फिगर पे आप पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो अब मैंने आपको लेटर पे करवाया जरा लॉजिकल और लेंथी तरीका है, इसमें बात समझ आती है जरा अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा लेंथी तरीका है, ये बात समझ आ गई, जरा हाथ खड़ा कर दें। 56 लाख पे कितना बनता था, 56 में 8 ऐड करने की वजह से 8 पे कितना बना, 1,83,000। उस 1,83,000 को अगर आप इसमें जमा कर दें, क्योंकि इसमें 1,83 नहीं पड़ा, इसमें आप अगर 1,83 जमा कर दें तो ये वो बेनिफिट है जो फर्दर एम्प्लॉयर देने को तैयार है, तो इसमें 1,83 जमा किया तो क्या जवाब आ गया। लेकिन आप ऐसा करें, आप इन चक्रों में ना पड़े, इन दोनों का डिफरेंस लेना, आप हमेशा ऊपर वाली फिगर पकड़ा करें, हमेशा ऊपर वाली, और ऊपर वाली फिगर में लेटेस्ट वाला जो टैक्स है वो क्या कर दें, ऐड कर दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज देखें, एडिशनल बेनिफिट कितना था, 1,83,000। अब 1,83 पे कितना टैक्स बन जाएगा, 1,83 पे कोई 1,00,000 रुपए तो टैक्स नहीं बन जाना। अब आप जरा इन दोनों का डिफरेंस ऐसे ही जरा आपने समझने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेके देखें, 42,000 रुपये। तो 1,83,000 पे कितना टैक्स बना, 42,000। 1,83,000 पे कितना टैक्स बना, 42,000। कोई ज्यादा टैक्स बना ही नहीं, 1,43,000 पे 42,000 बहुत टैक्स बन गया। अच्छा, अगर आप स्टेप 4 करते हैं तो ये 42,000 से ना तकरीबन जो है वो 7-8,000 रुपए चले जाना है फर्दर टैक्स, जो टैक्स होगा। और फिर अगला करेंगे तो ये 2-3,000 रुपए चला जाएगा फर्क, और अगला करेंगे तो ये 2-3,000 से 4-500-600 पे भी जाएगा, और अगला करेंगे तो ये 20-25 रुपए पे आ जाएगा फर्क। तो स्टेप्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आईकेएफ ने भी अपनी किताब में स्टेप्स को रोक दिया हुआ है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, हमने पेपर में और सवाल भी करने होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इस लेवल पे देना मकसूद था। प्रैक्टिकली याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन होती रहती है, ये कैलकुलेशन आगे चलती रहती है, स्टेप 4, 5, 6, 7 और एंड तक ये कैलकुलेशन जाती है, जब तक आखिरी वाला टैक्स तकरीबन जीरो आ जाता है। बहरहाल ये वो बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, इस बेनिफिट को हम सैलरी इनकम में ऐड करेंगे और अब जाके टैक्स निकाल लेंगे। ये तो वर्किंग है, ये तो क्या चीज बात समझ, साल की ये कैलकुलेशन सारी साल के एंड पे हो रही है, साल के एंड पे बार बार कैलकुलेशन साल के एंड पे इसलिए बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं
कि एम्प्लॉयर ने कहा था मैं तुम्हारी सैलरी पर टैक्स दूंगा, जैसे ही एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारी सैलरी पर टैक्स दूंगा तो एफबीआर वालों ने क्या कहा, एफबीआर वालों ने कहा इसका मतलब है तू इसे 8-14 का बेनिफिट देगा। मैं कहा हाँ मैं दूंगा 8-14 का बेनिफिट। अब जैसे ही 8-14 का बेनिफिट ऐड किया तो उसकी सैलरी ही एकदम बढ़ गई। अब जब सैलरी बढ़ी तो सैलरी बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़ा। अब एम्प्लॉय ने पूछा ये जो बढ़ा हुआ टैक्स है ये किसने जमा कराना है, उसने कहा मैंने तुझे कहा मैं जमा कराऊंगा। अब जब एम्प्लॉयर ने ये बोला मैं ये भी जमा करा दूंगा तो उन्होंने कहा ये भी तो कुछ और मिल रहा है, इसका मतलब है 183 का और बेनिफिट दे रहा है, तो वो 183 भी इसमें ऐड करो। तो जब वो 183 ऐड हुआ तो फिर इनकम बढ़ गई उसकी। अब जब इनकम बढ़ी तो टैक्स, अब ये जो डिफरेंस आया दोनों का ये तकरीबन कोई 40-42 हजार आप कह रहे हैं। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बात करेगा हाँ भी 40-42 हजार ये भी जा, ये भी मैं पे करूंगा, तो परेशान ना हो। अब अगेन स्टेप 4, 5, 6 आप आगे चला सकते हैं अगर टाइम है पेपर में। स्टॉप एट स्टेप 3, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, अगले पेपर की तैयारी भी करनी होती है जाके। ओके अच्छा जी इधर आ जाए आप। अब बता दें टैक्स बेनिफिट हमने कितना वहां फॉर्मूले से निकाला है, 10359। ओके जी अब आप मुझे टैक्सेबल इनकम बता दें जो है ही सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी, 460 1, 6 क्या चीज, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. हाँ ऐड करने 6, 6, 7, 8, 3, 5, 9। ओके अब आप जाएं और टैक्स कैलकुलेट करें। असल में ना यहां लाने का मकसद होता है फिगर्स को क्या होता है, आगे फिर कैपिटल गेन भी कोई आ सकती है, अदर सोर्स भी आ सकती है, बिजनेस भी आ सकती है, इसलिए वो कैलकुलेशन वर्किंग से करके लाते हैं और यहां पे फिर इसको लाके ऐड कर देते हैं ताकि ओवर हेड्स अगर आ जाएं अगले सवाल में भी मैं ओवर हेड्स लाऊंगा तो फिर दोबारा इनकम को रिवाइज किया जा सके। अच्छा भाई टैक्स कैलकुलेट करवाएं, प्लस 22 पॉइंट ऑफ व्हाट, 1, 6, 7, 8, 3, 5, 9। ओके जी अब आप मुझे बता दें इसका टैक्स कितना बना, 1, 6, 3, 0, 1, 1, 0, 4, 7, 6, 3, 1. ओके नाउ 10,47,000 टैक्स बन रहे, लेकिन याद रखिएगा प्लीज ये एम्प्लॉय ने देना नहीं है क्योंकि इसके साथ हम टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट नहीं लिख सकते। टैक्स ऑलरेडी पेड बाय हूम, बाय एम्प्लॉयर, वो आपने यही वाली फिगर यहां लाके लिख दिया करनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाली फिगर और ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बराबर नहीं आ रही क्योंकि वो हमने स्टेप 3 पे कैलकुलेशन रोक दिया, वरना तो ये बराबर होनी चाहिए थी। जितना टैक्स बनता है सारा का सारा किसको देना चाहिए, सूली तौर पर एम्प्लॉयर को, लेकिन अभी बन इसका कितना आ रहा है 10,47,000 और हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर कितना दे रहे हैं 10,38,000। जी इसको जरा लेस करें, 1, 0, 3, 5, 9, 9, 2। अब ये 9 to 7, 2 है ये धोखा है, ये गलत फिगर है, लेकिन क्या करें लिमिटेशन है, ये टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई ने जमा कराने, हालांकि वादा किसने किया था जमा कराने का। अब असल में फर्दर हमने 40,000 को इधर ऐड कर दिया ना, वो जो फर्दर 40,000 आया था, अब ये जो फिगर लाए हैं इसमें 1, 0, 3, 8, 3, 5, 9 इस पे तो इनका डिफरेंस भी शामिल है। अब जब वो फर्दर 40,000 ऐड किया तो टैक्स 9,000 से और बढ़ गया, तो 9,000 बढ़ा, वो 9,000 अब एम्प्लॉई चलो दे दें, खत्म कराएं बात को, ओवर करें, आप पीछे ही पड़ गए इस कैलकुलेशन के। स्टार डाल के हम पेपर में लिखेंगे आइडियली इट शुड बी जीरो क्योंकि एम्प्लॉई ने तो टैक्स जमा ही नहीं कराना, हाउएवर वी हैव स्टॉप्ड कैलकुलेशन एट स्टेप 3 देयरफॉर इट इज नॉट जीरो, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, इसलिए कि ताकि पता चले एम्प्लॉई ने खुद कितना जमा कराना है। ओवरहेड्स भी तो आने हैं ना आने वाले दिनों में, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बनना शुरू हो जाए।
ऐड करने का क्या फायदा है? ऐड करने की वजह बताइए, कोई वजह बताइए ऐड करने की? टैक्सेबल इनकम उसकी बढ़ाना मकसूद है। क्यों बढ़ाना मकसूद है? जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देते हैं, ओवर टाइम देता है, उससे टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने से उसकी टैक्सेबल इनकम, लेकिन वो एम्प्लॉयर बेचारे को पता नहीं चला उसके साथ हो क्या जाने, जब उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेबल इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स भी बढ़ जाने, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयर वो बेनिफिट भी देने को तैयार हो जाएगा, जब एम्प्लॉयर वो बेनिफिट भी देने को तैयार हो जाएगा फिर दोबारा इसकी सैलरी इनकम रिवाइज करनी पड़ेगी। चलें ये नोट कर लें, इट्स ओवर। ऐड इसलिए किया कि ये एम्प्लॉय को फायदा मिल रहा है, लेस इसलिए किया कि इतने पैसे एम्प्लॉय ने अपनी जेब से जमा नहीं कराने। अभी मैं लाता हूँ दूसरा हेड, क्वेश्चन टू में। इंग्लिश क्या लिखी हुई है वो इतनी रजिस्टर ऊपर रख लिया, छुपा दिए नोट्स, पेज 3 पढ़ाई ना। टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉयर भी सदियों में काम ही मिलते होंगे। वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे, जहां एम्प्लॉयर मान जाए एग्री करने पे, मान जाए टू पे द टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी। रशीद तुम्हारी सैलरी इनकम पे मैं टैक्स पे करूंगा इस दफा। सर कसमें, यस रशीद कसमें। द एम्प्लॉयज सैलरी इनकम शेल बी बढ़ा 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 बढ़ा, द एम्प्लॉय सैलरी इनकम शेल बी बढ़ा बढ़ा बाय द टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर को खुद पता है कि मैंने कितना रोलना है अब इसके लिए। ओके सफे का एंड, नहीं नहीं थ्री नहीं, थोड़ा ऊपर, वो तो पेज नंबर है। काला सितारा, आइडली इट शुड बी रुपीज बट वी हैव स्टॉप्ड कैलकुलेशन एट, सो गाइस इट इज नॉट रियल। ओके आगे आ जाइए, क्वेश्चन टू। Thank you.
डेटा मैंने सेम रखा है. मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा. बेसिक सैलरी इज 3 lakh पर मंथ. हाउस रेंट अलाउंसेस 130,000 पर मंथ. ओके, ये इनकम कितनी आ गई? 5640000. कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 6 lakh. कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 6 lakh. कैपिटल गेन इनकम को भी छोड़ें, अभी तो एक लाइन नीचे लिखी हुई है, एम्प्लॉयर सारी इनकम्स पे टैक्स देगा या सिर्फ सैलरी इनकम पे? तो टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर. तो ऐसा करेंगे, टैक्स बेनिफिट की वर्किंग करेंगे, ये उसी तरह जिस तरह मैंने की है, मैंने इसलिए डेटे को सेम रखा है. सारी वर्किंग करके यहां से जवाब पकड़ेंगे. जी बताएं. 10 जी बोले. 6678359. जी ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई. अब ये एक और इनकम कमा रहा है, डेट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. बोले जी. 6 lakh. जी टैक्सेबल इनकम 7835359. ओके जी, अब हम इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? वो वर्किंग होती है बस, एक टैक्स असल में इधर ही कैलकुलेट करना है. अच्छा जी, टैक्स निकलवाएं. वेट, लेट मी चेक दैट आई एम सपोज टू यूज पेज 5 और पेज 6, बिकॉज खाली सैलरी हो तो मैंने आपको कहा था पेज 6 यूज करें, लेकिन ये खाली सैलरी तो नहीं है. अब क्या करना पड़ेगा? एक जबानी काम करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे पेपर में शो नहीं करना. फाइव फोर सेवन सिक्स. ओके, 5458769. प्लीज कंपेयर इट विद सैलरी. सैलरी किधर है ये? ना, बेसिक सैलरी नहीं, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में. पूरा सैलरी का चैप्टर पढ़ते रहे और आखिरी दिन आप कह रहे हैं बेसिक सैलरी सैलरी होती है. बेसिक सैलरी भी सैलरी होती है, बोनस भी सैलरी होती है, ओवरटाइम भी सैलरी होती है, हत्ता के गाड़ी की कॉस्ट का 10% भी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है. बार बार लिखा हुआ था दीज अमाउंट्स आर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था. इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी से कंपेयर तो कहीं नहीं मैंने लिखा था बेसिक सैलरी से कंपेयर करने. जी 5.4 और 6.6 से कंपेयर करें. ज्यादा है तो ज्यादा के केस में बताएं, पेज 6 वाला टेबल लगेगा या 5 वाला? पेज 6 वाला. चलें जी. 670,000 प्लस ऑफ 7835359. 118263. बट ये तो रेड वाला काम पेपर में नहीं करना, कैलकुलेटर पे करना है ये. बट एक काम तो रह गया ना, ये 11,82,000 एम्प्लॉय ने जमा नहीं कराना, क्योंकि 10,38,000 एम्प्लॉयर जमा करा देगा. इसको माइनस करें. लेस टैक्स Already paid by employer. 1038 27. Ideally it should be zero. Khuda ka khauf karein, how it should be zero. Ye kaise zero ho sakte hain? भाई बैठे बैठे हंस रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं.
आइडियली इट शुड बी जीरो, कैसे हो सकता है भाई? तो कैपिटल गेन भी तो है ना, तो जीरो हो ही नहीं सकता। इट इज अच्छा, आइडियली इट शुड बी जीरो। शुक्रिया भाई, जजाकल्ला। तो अब ये टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। भाई एक सफा बांटे हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी की। इधर आओ। वहां पढ़ेंगे जी। जी हाँ जी, एग्रींग के साथ लफ्ज मिल रहा है, एग्रींग फॉर, एग्री का लफ्ज फॉर के साथ मिल रहा है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल नंबर थ्री निकालें। एग्जाम्पल थ्री निकाल के मुझे बताएं कि तो अभी नोट्स भी रहे, वो जो एक सफा बांटा है आपको प्राइवेट पब्लिक वाला, वो छोड़ें। एग्जाम्पल थ्री पढ़ के मुझे बताएं
कि एम्प्लॉयर कितना सादा निकला है। अच्छा हाँ, एक बात यहां पे सुन लें, एक बात यहां पे सुन लें, जब आप फिगर को इधर निकालना है ना वर्किंग में, तो याद रखिएगा हमेशा टेबल टू ही लगना है, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो यही पता होता है ये सैलरी कमा रहा है, बाकी एम्प्लॉयर को नहीं पता कैपिटल गेन कितनी कमा रहा है, घर में बिजनेस कितना कर रहा है, वो एम्प्लॉयर को पता भी नहीं होता, पूछता भी नहीं है, पूछ ले एम्प्लॉय बताता भी नहीं है। तो ये कैलकुलेशन तो एम्प्लॉयर करता है उसकी जगह, कि भाई मैं तेरी कैलकुलेशन करता था कि मुझे पता चले मैंने तेरा कितना टैक्स देना है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब कैलकुलेशन को यहां ले आना है आपने, तो फिर तो सैलरी भी आएगी, बिजनेस भी आएगा, कैपिटल गेन भी आएगी, अदर सोर्स भी आएगी, फिर ऐसी सूरत में आपने टेस्ट लगाना है कि पेज 5 लगाना है या पेज 6 लगाना है, यानी टेबल 1 या 2 लगाना है, वो आपने यहां पे आके टेस्ट करना है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस वर्किंग के लिए हमेशा टेबल 2 लगाइएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो यही समझ रहा होता है ये कौन सी इनकम कमा रहा है, सैलरी इनकम कमा। ओके, क्वेश्चन 3, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी 40,000, हाउस रेंट अलाउंस, टैक्स ऑफ 500 विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कितना टैक्स बर्दाश्त कर लेगा एम्प्लॉयर, ने काम ही सीधा रखा। अब आप सॉल्यूशन में जाके देख लें, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, 500 को सिर्फ क्या करना है, इनकम से ऊपर ऐड करने, यहां पे ऐड करने 500 को, और दोबारा एंड पे आके, क्योंकि अब तो एम्प्लॉयर इस चक्कर में पड़ा ही नहीं कि ऊपर भी कोई पैसे हो सकते हैं, एम्प्लॉयर ने एक फिक्स्ड अमाउंट लेके इस कैलकुलेशन से अपनी जान छुड़ा ली। तो 500 के आगे लिख लें नो वर्किंग रिक्वायर्ड, अब कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, क्वेश्चन 4 आपके खुद ही कीजिएगा समझने के लिए। ओके, कैपिटल गेन एम्प्लॉय शेयर स्कीम थोड़ा मिक्स होगा, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने कल पढ़ना है, तो उसमें ऐसा भी होता है कि शेयर बिकते हैं, तो इसलिए प्राइवेट पब्लिक कंपनी के शेयर हो सकते हैं, तो डेफिनेशन निकाल लें। अभी आपको एक सफ़ा बांटा गया चैप्टर 5 में से, ऑनलाइन क्लासेस में भी नीचे नोट्स अटैच हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन मैं पढ़ा देता हूँ, और पब्लिक हाँ पढ़ लेंगे। चलें जी, प्राइवेट मेरी तरफ से, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी डेट इज, ठीक है जी, छुट्टी हुई। प्राइवेट की याद कैसे करनी है ये, इसके लिए तो देखो थोड़ा कंसंट्रेशन से बैठना पड़ेगा आपको कहीं। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी डेफिनेशन यहां से ना पढ़े, जबानी सुन लें। जिस किसी कंपनी के फेडरल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए हों, वो कंपनी बन जाती है पब्लिक कंपनी। जिस किसी कंपनी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए हों, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। जिस किसी कंपनी के फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए हों, वो कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। पढ़े कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन जानी चलेगी, उधर के तीर इधर चलाएंगे तो वापस खुद ही खाएंगे। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय, और ओके ए हो गया, नीचे आ जाएं, अब ए बी, अ कंपनी इन विच एट लीस्ट ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, अगला पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। ये फॉरेन गवर्नमेंट है, इसने किसी फॉरेन कंपनी के 100% शेयर खरीदे हुए हैं। फॉरेन कंपनी का नाम है एक्स, फॉरेन कंपनी एक्स। इस फॉरेन कंपनी एक्स ने आगे किसी कंपनी के, मिसाल के तौर पे कंपनी वाई, किसी कंपनी के
60% शेयर खरीदे हुए हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर ये ऊपर वाली तो पब्लिक कंपनी है ही, क्योंकि इसमें फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से ऊपर ओन किए हुए हैं। मैं अभी ये वाली समझाना चाह रहा हूं, ये भी पब्लिक है, डायरेक्टली ओन नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली, लेकिन इसमें दो शराइत पूरी होना जरूरी है। ये 100 हो, 99.99 ना हो, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त, ये 50 या उससे ज्यादा हो, तो ये वाली कंपनी भी फॉरेन गवर्नमेंट के इशारों पे नाचेगी। सिर्फ इनको इंडिकेशन देनी पड़ेगी और कब्जा फॉरेन गवर्नमेंट का इसी के हाथ में है। ओके, चलें जी पढ़ें इसको भी। ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट था, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी था। हाँ भाई, ये ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉइंट्स इकट्ठे लगें, या है सबके दरमियान या होगा, यानी या ये कंडीशन पूरी हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। भाई ये भी के आगे पहला बुलेट मार दिया हमने, अब दूसरा बुलेट मारते हैं। अ कंपनी से मुराद है यहां कंपनी वाई, अ कंपनी से मुराद है यहां कंपनी वाई हमारी एग्जांपल में। अ कंपनी इन विच कट टू कट 50% ऑफ द शेयर्स, कम से कम एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन कंपनी। और इससे मुराद फॉरेन कंपनी एक्स है, पहली से मुराद वाई थी ना, पहली मैंने वाई लिखवाई एक्स लिखवाई है, वाई लिखवाई है। ओके, आखिरी क्लास होती है ना, तो कई दफा बंदा आउट हो जाए। अ कंपनी यानी कंपनी वाई इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, अबे तू कौन है? आई एम ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। यहां ओन्ड से मुराद है 100%। लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोर्ट्स ने यह फैसला सुनाया हुआ है कि यहां ओन्ड से मुराद 100% है। तो अगर इधर 99 होता और ये 60 होता तो ये पब्लिक ना होती, और अगर इधर 100 होता और इधर 49 होता तो भी ये पब्लिक ना होती। बी, लिस्टेड इन ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी भी क्या है हमारी नजर में? पब्लिक कंपनी। पढ़े पॉइंट बी। इसमें असल में मैं मजे की बात सुने, अगर पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज आपको मिलनी बहुत मुश्किल है, फेडरल गवर्नमेंट ने ओन की हो, प्रोविंशियल ने ओन की हो, फॉरेन ने ओन की हो, फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी मिलनी बहुत मुश्किल है। ये सबसे ज्यादा है, ये तो हजारों में है कंपनीज, पीटीसीएल के शेयर, डीजी सीमेंट के शेयर, पेल के शेयर, नेस्ले के शेयर, इसमें तो हजारों कंपनीज है। असल ये चीज है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो, लिस्टेड हो। लिस्टेड होना भी जरूरी नहीं है, आगे दो शराइत और जरूरी है। शेयर बेचे खरीदे भी जाते हो बाजार में, और साल के आखिरी दिन, जैसे कल भी एक शर्त पड़ी थी वो किसी और बात के लिए थी, साल के आखिरी दिन भी ये कंपनी हो लिस्टेड। बी, अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा, कहां खरीदे बेचे जाते हो? इन पाकिस्तान। कितने अरसे के लिए? एक मिनट के लिए भी अगर खरीदे बेचे गए साल में, एंड रिमेन्स लिस्टेड एट एंड ऑफ ईयर, और आखिरी दिन 30 जून को भी अगर आप लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट निकलवाएं तो उसका नाम आएगा, अनलिस्टेड करवा के अपने आप को भी ये कंपनी गई नहीं, अभी तक अपने आप को क्या रखा हुआ है? डी तो यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन पड़ी थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आर यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक, इस काबिल भी नहीं है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं। तो अच्छा जी, इसको आप छोड़ें। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, बोले
अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, बोल दो आप भी बोलो, अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ओके, अच्छा भाई अब प्राइवेट कंपनी क्या है, अगर उसकी मिसालें लें, एक तो वो जो है ही प्राइवेट, वो भी प्राइवेट कंपनी है, बड़ी बात बताई बीबीबी। ओके, या पब्लिक अनलिस्टेड, प्लीज लॉ के टीचर को ना लेके आइएगा सारा स्टफ को, मैं उनसे खुद ही मिल लूंगा, आपने नहीं उनको लेके आना, ये उनकी नजर में होगी पब्लिक, हमारी नजर में इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं हो रही। उनसे मुराद है कंपनी लॉ की नजर में, कंपनी लॉ की नजर में ये होगी पब्लिक, मुझे नहीं पता है भी या नहीं, कंपनी लॉ भूल गया, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, छोड़े तो कंपनी लॉ की नजर में हमें कोई कंसर्न नहीं, हम किस लॉ की नजर में देख रहे हैं, हाँ टैक्स लॉ की नजर में ये कंपनी क्या समझी जाएगी, प्राइवेट कंपनी समझी जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर रही, पूरी नहीं कर रही। ओके, तो मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक ने 30% शेयर खरीद, शेयर पैसा डाला, इसी तरह सईद उमर ने 30% पैसा डाला, 40% पैसा सकलैन मुश्ताक ने डाला, और तीनों ने पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवा ली और कहा कि जब हमें पैसे आम लोगों से चाहिए होंगे तब लिस्ट करवाएंगे, तो 2-3 साल तक इन्होंने अपने आप को मोबाइल वाले भाई लिस्ट नहीं करवाया, तो जब लिस्ट नहीं करवाया तो ये अनलिस्टेड है, अब जितना अर्सा ये अनलिस्टेड रहेंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है, ये लिख सकते हैं आप मिसाल। हाँ, अगर पब्लिक अनलिस्टेड के कोई गवर्नमेंट शेयर ऑन कर ले 60-70 वो और बात है, वो और बात है, मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं जा रहा, आप नीचे वाले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करके आइएगा, फिर इनमें कोई इश्यू आया तो डिस्कस करेंगे, ऐसे ही घुमा फिर आके 3-4 सवाल बना दिए उसने, तो इनमें से फिर देख लेंगे इन 4 सवालों में से कौन सा सवाल आपको समझ नहीं आता, बस 5 में से कोई एक भी शर्त पूरी हो जाए, क्योंकि पॉइंट, क्योंकि पॉइंट डी से ऊपर देखें और लिखा हुआ है, और का क्या मतलब है, या ये या ये या ये, ठीक है जी। ओके, अब आप सोच रहे होंगे, वैसे तो इतना सोचते नहीं आप, लेकिन सोचते भी हैं कुछ बच्चे कि प्राइवेट और पब्लिक की कैटेगराइजेशन क्यों की है, तो एक प्राइवेट कंपनी है असलम बॉट हिज इट्स शेयर्स, असलम ने उसके शेयर्स बाय किए, ठीक है, असलम ने उसके शेयर बाय किए, कॉस्ट ₹100, फिर बाद में उसने सेल कर दिए, सोल्ड फॉर ₹120, ₹120 के बेच दिए, लेकिन है किस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी के, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, खरीदने और बेचने के दरमियान का अरसा, ये था 1.5 साल, 1.5 years। तो अब हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएंगे, शेयर्स का बेचना, व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अच्छा जी, व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द गेन, तो ₹20 किस हेड में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपसे खुश होगी कि आपने एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट की है और आपको गेन का 75% टैक्स लगाने को कहेगी, जरा गेन का 75% निकाल के ना बताएं कितना आ रहा है, 50। अब आपको बेनिफिट क्या मिला 1 साल से ज्यादा शेयर्स को अपने पास रखने का, आपकी पूरी इनकम पे टैक्स लगा या 75% गेन पे, सो व्हाट इज योर टैक्सेबल इनकम, 15, ये लाख है, 15 लाख है,
ये 100 लाख था, ये 120 लाख था, ये मैंने आपको बताया नहीं हुआ था, ये असलम ने मुझे बताया था। असलम, हाँ असलम, ओके एनओटी। ये कौन से चैप्टर का सवाल शुरू हो गया है? ऐसे ही कैपिटल गेन का, जरा नहीं सैलरी तो है ही नहीं, ये तो शेयर बेच रहे हैं। हाँ हाँ वो करेंगे, वो टैक्स निकालना सिखाएंगे आपको जो बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, टैक्सेबल इनकम से। जी वो कर लेंगे जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे कि किस पे लगाना है। जी पूछे पूछे वो कैपिटल गेन चैप्टर का वेट करें, कैपिटल गेन के चैप्टर का वेट करें, ये मैं कैपिटल गेन का चैप्टर जब आएगा तब पढ़ाऊंगा कि होल्डिंग पीरियड 1 साल और 1 साल से ज्यादा का, फिलहाल 1 साल से ज्यादा का आप समझ लें, एग्जैक्ट 1 साल का मैं बताऊंगा रूल। जी कैपिटल गेन के चैप्टर से ये प्रोविजंस पढ़ाना भी मकसूद और मतलूब नहीं है, क्योंकि ना आपके पास किताब है, ना मेरे पास किताब है, और ना किताब मतलूब और मकसूद है। मैं तो सिर्फ ये बताना है 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो आपने गेन को क्या कर देना है 75%। ओके अब नीचे छोटा सा नोट लिख लें, अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते, अभी तो किसके थे, अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते तो फिर गेन को 75% नहीं लगाते होते, फिर गेन को 75% नहीं लगाते होते। अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते तो फिर गेन को 75% नहीं लगाते होते। ये बात भी कहां पढ़ेंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर में, अभी छोड़ें इस बात की। लेकिन एक बात बस याद रख लें ताकि कल कलां को फायदा हो। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर आपने खरीद के बेचे और 1 साल के बाद बेचे तो क्या फायदा होगा, और पब्लिक कंपनी के शेयर आपने खरीद के बेचे तो 1 साल बाद भी बेचे तो गेन पे 75% नहीं लगना, उसके रूल है अलग से, वो अलग से पड़े जाएंगे। ओके इट्स ओवर, एम्प्लॉय शेयर स्कीम कल करेंगे। अच्छा एक छोटी सी चीज बता दें कि एक साहब हैं वो कहते हैं मेरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये मेरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर स्पेशल और नॉर्मल के। अच्छा मुझे बता दें ये पढ़ के सोच के देख के बोल के ये बंदा आपको क्या फीलिंग आ रही है, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहा है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आ रहा है? स्पेशल से नॉर्मल की तरफ कैसे जा रहा है? जून में ईयर एंड हो करवाए हैं उसने, कह के जून ईयर एंड करवा लिया अभी तो जून तो उसने कह के जून ईयर एंड करवाया। अब अगर कह के जून ईयर एंड करवाया आप मुझे बता दें अगला साल क्या होगा, 30 जून 15 से 30 जून 16 वही होगा ना अगला। तो अब तो आपको पता है जो फेज आती है ट्रांजिशनल वो एक दफा आती है बस, 30 जून 15 आ गया, अगला साल कब खत्म होगा और अगला, तो इसका मतलब है आप ये आज से, ओ ये क्या हो गया इधर देखें, अब आज के बाद इसका ईयर एंड कब होगा, 30 जून अगला, तो ये किससे किसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा कोई मुझे बता सकते कि इससे पहले इसका कौन सा साल खत्म हुआ होगा और उसका अरसा क्या होगा? जेकम जनवरी 31 12 14 ऐसा ही है। अच्छा जी इसको कैसे डिनोट करेंगे और इसको कैसे डिनोट करेंगे,
31/12/14 को अगर ना रोका जाता तो ये डेट कब तक आम हालात में चलती रहती? 30/15 तो टैक्स ईयर 2015 स्पेशल, टैक्स ईयर 2015 स्पेशल। और इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं कि 30/15 को चलने दिया जाता, 30/15 ने कहा मिन्नू क्यों चलाना है, मैं तो इतने ही यहां। तो 30/15 इज ऑलरेडी देयर। अगर आप किसी बंदे को जो मरी लेके जाने लगो, चलो तुम्हें चलाते हैं मरी पागल, आई एम ऑलरेडी इन मरी, मैं तो पहले ही मरने वाला। अच्छा जी, तो 30/12/15 पे ये बंदा खड़ा है, आप नहीं सोचेंगे 30/15, अब ये 30/15 ही है। तो इट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसे डिनोट भाई 2015 से ही करेंगे। तो ठीक है भाई, ये कोई इतफाक नहीं है, लॉ इस तरह स्ट्रक्चर हुआ है। आप दो दफा टैक्स ईयर 2015 लिख दें, दो दफा टैक्स ईयर 2015 लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं।